सरकार हमेशा ही बच्चों की शिक्षा पर खास ध्यान देती है और उसके बाद ये ध्यान दिया जाता है कि इन बच्चों को किसी न किसी तरह का स्किल ज़रूर सिखाया जाए ताकि वो आगे जाके आत्मनिर्भर बन पाएं। और इसी के उपलक्ष्य में डेसू की शुरुआत हुई थी जिसमें बच्चों को स्किल ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी ऐसे रह जाते थे जो कि पैसे के अभाव में इन स्किल कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले पाते थे। इसी को देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने खास तौर पर उन बच्चों को जो गरीब तबके से आते हैं, जो गरीब फैमिली से आते हैं, उनके लिए एक लाइट हाउस की शुरुआत की है। जी हाँ, ऐसे ही एक लाइट हाउस में हम पहुंचे जहां पर गरीब बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज सिखाए जाते हैं। सारे बच्चे वो चाहते हैं कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से वो कोर्स करें, बेशक छोटा कोर्स हो जो आप प्रोवाइड करवा रहे हैं वही हो, लेकिन उनका रहता है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से जाके करें। किस तरीके से आप बच्चों को मनाते हैं, उनके पेरेंट्स को मनाते हैं कि लाइट हाउस भी वही सिखा रहा है जो आप बड़ी यूनिवर्सिटी में? हमारा जो टारगेट रहता है वो बेसिकली यही, जो हमारे लोकल बस्ती हैं जो इस तरह के आगे जो डिग्री कोर्सेज नहीं कर पा रहे हैं शायद फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, सो हम उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में या जो प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं मिल पा रही, वो लाइट हाउस उनको दे वो फ्री कोर्सेज कराकर। और साथ ही साथ वो लाइवलीहुड जब वो अपने जॉब के लिए जाएंगे तो वो अपने आगे हायर एजुकेशन भी परस्यू कर सकते हैं अपने खुद इंडिपेंडेंट होकर। सो उनको एक हम एक इंडिपेंडेंसी भी दे रहे हैं, एक तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी मिल रही है उनको, एक डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंसी मिल रही है ताकि वो अपना खुद इस तरीके से अपनी लाइफ को लीड कर सके। डिज़ाइनर जैसे कोर्स की बहुत डिमांड है, जो कोर्स बाहर स्टूडेंट प्राइवेट में करते हैं भारी भरकम फीस देकर, वहीं ऐसे डेसू के लाइट हाउस में बहुत ही मिनिमल फीस पर ये कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह की पढ़ाई यहाँ पर होती है, क्या कोर्स कर रहे हैं आप? ग्राफिक डिज़ाइन। क्या क्या सिखाते हैं? जैसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर? फोटोशॉप, AI टूल्स, कैनवा, कोरल ड्रॉ, ये सब सिखाए जाते हैं। पोस्टर बनाने के लिए, विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए, सब चीज़ें। कितनी ड्यूरेशन है इस कोर्स? 2 months। बाहर से करते थे मैक इंस्टीट्यूट, माया अकेडमी, क्रिएटिविटी करके एक इंस्टीट्यूट से मैंने पता किया था इनसे, तो वही 60,000 के आसपास फीस बताई थी। लेकिन जब मैंने लड़के ने मेरे को बताया था कि आप लाइट हाउस आके चेक कीजिए तो उसके अंदर आपको फीस भी कम लगेगा, आपको एक एडवांस क्रिएटिविटी सीखने को मिलेगी। आप पास से आते हैं, दूर से आते? दूर से आते, खानपुर देवली मोड़। यस यस। आप कहाँ से? संगम बिहार। अकाउंट्स की क्लास थी, क्या क्या पढ़ाया सर ने? आज हमें क्या कहते हैं BRS के बारे में बताया, बैंक रिकॉग्निशन स्टेटमेंट के बारे में। अकाउंट्स में और क्या क्या पढ़ाते हैं? हमने GST एंड परचेज एंट्रीज करना, जनरल एंट्रीज करना, इनवॉइस एंट्रीज करना, सेल्स एंट्रीज करना, TDS, ये सब चीज़ें सर ने बताई हैं। लाइट हाउस खोलने का? जब इसकी मतलब स्टार्टिंग हुई थी हम लोगों ने मतलब DSU से कोलेबरेट किया कि उन्हें हमारा ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। कंसेप्ट दिल्ली में भी शुरू करने के लिए जो हमारे उस टाइम के मनीष सिसोदिया जी थे वहाँ पर गए हुए थे, उन्हें बहुत पसंद आया, उन्होंने फिर यहाँ पर लाने का उसको प्लान किया, सोचा और उसके बाद फिर यहाँ पर DSU से कोलेबरेट करके हम लोगों ने यहाँ लाइट हाउस सेटअप किए। उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो यहाँ आएँ और अपने स्किल्स डेवलप करें ताकि वो अपने लाइफ में आगे अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकें। सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ वैलिड है? ये एक्चुअली हर जगह वैलिड करता है, मतलब ये हमारा DSU से सर्टिफिकेशन है हमारा, सो ये हर सेक्टर में वैलिड करता है। हमारे यहाँ से फाउंडेशन और स्किलिंग कोर्स करने के बाद हम लोग स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट के लिए प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। कहते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल से स्टूडेंट्स आते हैं उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर बच्चे आते हैं, कैसा उनका रिस्पांस होता है, कैसे सीखते हैं हम? एक्चुअली देखिए, जैसा होता है मिक्स्ड बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं तो मिक्स्ड होते भी हैं, नॉलेज वाइज डिफरेंट होते हैं, बट हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि उनको ऐसी चीज़ें ज़्यादा सिखाएं जो उनको उनकी जॉब में हेल्प करेंगी, उनके एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करेंगी, एट देयर वर्क प्लेस जो उनको हेल्प कर सके। हमारे लाइट हाउस में हम लोग फाउंडेशन कोर्स कराते हैं एक महीने का पहले, तो जिसमें हम 3 क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। एक लाइफ स्किल्स की क्लास रहती है जिसमें हम अलग अलग एक्टिविटीज़ कराते हैं लाइफ स्किल्स के ऊपर, एंड देन उसमें हमारा फिर एक डिजिटल एम्पावरमेंट का क्लास रहता है जिसमें हम बेसिक कंप्यूटर स्किल्स एंड बहुत सारे गवर्नमेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं वो बनाना सिखाते हैं। ज़्यादा कोर्सेज कौन से हैं जो आजकल के बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं? ऑफिस एग्जीक्यूटिव है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव है। ये सारे कोर्सेज यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए? जी, ऑलमोस्ट सारे फ्री हैं,
बस कुछ इस कोर्सेज में कुछ मिनिमल सा फीस रहता है। वेब डिजाइनिंग का कोर्स करने के लिए आई हूँ। किसने रिकमेंड किया था यहाँ पे कोर्स करने? मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किया था यहाँ पे कोर्स करने के। चार्जेस वगैरह ले रहे हैं? अदर्स कोर्स की नहीं है, बट वेब डिजाइनिंग की चार्ज है। टोटल फीस 1K है। क्या एलिजिबिलिटी रहती है डिजिटल मार्केटिंग में? डिजिटल मार्केटिंग के लिए फिलहाल आपको 12th पास किया होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए और आपको थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज होनी चाहिए। डेसू के साथ कोलैबोरेशन करके इस लाइट हाउस को खोलने का यही मकसद है कि दूर दराज के इलाके में या फिर पैसे के अभाव में जो बच्चे बड़े कोर्सेज जो सिर्फ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में करवाए जाते हैं वो अपने नहीं कर पाते, वो वंचित ना रह जाएं, उनको भी स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ ऐसे कोर्सेज करवाए जाएँ जो कि लाइफ में उनके काम आएंगे और उनको एक रोज़गार का साधन बनेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप में भी उनके काम आएंगे। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से पैसे के अभाव से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो लाइट हाउस की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से स्किल कोर्सेज अवेलेबल हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज हैं। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ सिमरन कौर, TV9 डिजिटल, दिल्ली।